बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। फॉरेनर्स जो है वो आज सेलिंग पे थे। 4.62 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। 17.20 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस बाइंग है, जबकि 21.81 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग, नेट सेलिंग जो है 4.62 मिलियन यूएस डॉलर। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ज़्यादा सेलिंग की है, 2.85 मिलियन यूएस डॉलर। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सेलिंग पे थे, 1.73 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो टॉप बायर थे 4.60 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। म्यूचुअल फंड दूसरे बड़े बायर थे आज के 3.07 मिलियन यूएस डॉलर, और बैंक से डीएफआई ने भी 1.61 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। लोकल्स में से ब्रोकर्स जो हैं वो आज नेट सेलर थे 2.50 मिलियन यूएस डॉलर। कंपनीज ने भी 1.04, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.67, जबकि इंश्योरेंस की तरफ से भी 0.41 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग देखी गई है। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो है फॉरेनर्स ने सेल किया। लोकल्स में से जो है वो इंडिविजुअल बड़े सेलर थे इस सेक्टर में 2.28 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेल किया है। बाइंग जो है वो बैंक से अब्लिक डीएफआई, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने की है सीमेंट्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो फॉरेनर्स ने बाय किया है, जबकि लोकल्स में से इंडिविजुअल ने सेल किया है। और बाइंग की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है वो बड़े बायर थे इस सेक्टर में। पावर सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने जो है वो बाइंग की है, लोकल्स में से कंपनीज ने जो है वो सेलिंग की है पावर सेक्टर में, जबकि बाइंग जो है वो इंडिविजुअल, बैंक्स और इंश्योरेंस की जानिब से हुई है। बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो फॉरेनर्स ने जो है वो सेल किया है, जबकि लोकल्स में से ब्रोकर्स और इंश्योरेंस और साथ में कंपनीज ने सेलिंग की है, जबकि बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल की जानिब से हुई है। अदर सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने सेल किया है, लोकल्स में से जो है वो इंडिविजुअल ने बाय किया है, कंपनीज ने बाय किया है और साथ में म्यूचुअल फंड की बाइंग है, जबकि सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स, इंश्योरेंस और बैंक्स ने की है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो फॉरेनर्स ने सेल किया है, लोकल्स में से अगर सेलिंग देखें तो वो म्यूचुअल फंड ने की है और साथ में ब्रोकर्स ने की है, जबकि बाइंग जो है वो इंडिविजुअल और इंश्योरेंस की जानिब से हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने सेल किया है, लोकल्स में से इंडिविजुअल ने जो है वो बाय किया है और साथ में कंपनीज ने की है, जबकि सेलिंग जो है वो बैंक्स, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स ने की है। ईएनपी सेक्टर में फॉरेनर्स की तरफ से बाइंग आई है, जबकि लोकल्स में से इंडिविजुअल ने सेल किया है और साथ में बैंकिंग बैंक्स ने जो है वो सेलिंग की है, जबकि बाइंग जो है वो इंश्योरेंस और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की है। ओएमसी सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने की जो है वो बाइंग है, जबकि लोकल्स में से इंडिविजुअल ने बाय किया है और दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड ने जो है वो बाइंग की है, जबकि सेलिंग जो है वो बैंक्स और इंश्योरेंस की जानिब से हुई है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा था आज का।